दिल्ली हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्य इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। फिलहाल अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है और मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली हरियाणा में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार रहेगा। यूपी में भी गर्मी से कोई राहत की उम्मीद नहीं है। वहीं यूपी में भी 5 दिन हीट वेव रहेगी। इसके अलावा भी कई राज्य मौसम के प्रकोप से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक भारत के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद नहीं जताई जा रही। तो फिलहाल प्रचंड गर्मी का क्या है आपको बता दें, किन किन जिलों में कितना तापमान बना हुआ है। हिसार में आप देखिए 44 डिग्री सेल्सियस, करनाल में 45 डिग्री से 31 डिग्री, जींद में 44 से 32, फरीदाबाद में 44 डिग्री से 33 डिग्री, सोनीपत में 45 से 32 डिग्री, रोहतक में 44 डिग्री तापमान देखा जा रहा है। रेवाड़ी की अगर बात करें 45 डिग्री, कुरुक्षेत्र में 45 डिग्री, अंबाला में 45 डिग्री, पानीपत में 45 डिग्री तापमान देखा जा रहा है। अधिकतर जिलों की बात करें तो तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंचा हुआ है। तो हीटवेव से आप बचाव कैसे कर सकते हैं? दोपहर के समय घर से बाहर जाने से आपको बचना है, जरूरी हो तभी बाहर निकले। वहीं बाहर जाते समय चश्मे और छतरी का प्रयोग करें, सूती और ढीले कपड़े ही पहने, बिना खाना खाए घर से बाहर ना निकलें, ऐसे निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो हाइड्रेशन के लिए खूब पानी पीते रहें, पेय पदार्थ पीते रहें। वहीं खरबूजा, तरबूज, संतरा और सलाद जैसे फलों का सेवन करते हुए नजर आए। अल्कोहल और कार्बोनेट ड्रिंक्स के सेवन से बचने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बता दें आपको कि इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं दोपहर के समय बाजार बिल्कुल सुनसान दिखाई देते हैं। इस बारे में आयुष विभाग व स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। तो गर्मी में जब ज्यादा जरूरत हो तभी आप घरों से बाहर निकले। देखिए रिपोर्ट। इस साल जो गर्मी है जो प्रचंड रूप दिखा रही है, और आपको बता दें कि 46 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, जिसकी वजह से हर आम जन जो है परेशान है, क्योंकि इतनी गर्मी शायद ही पिछले सालों में पड़ी होगी। और इस समय हम खेड़ा गांव में पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर है और यहां पर इतनी महिलाएं आई हुई हैं, डॉक्टर हैं जो आयुष विभाग की डिस्पेंसरी हैं, उसके डॉक्टर हैं संजीव जी मैम, डॉक्टर हैं यहाँ पर जो प्रत्येक दिन जो है महिलाओं को देखती हैं, या गांव से जो भी पेशेंट यहाँ पर आता है देखा जाता है उसको और उसकी दवाई दी जाती है। लेकिन इस गर्मी से कैसे बचा जा सके, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें, ताकि क्योंकि भयंकर लू चल रही है, टेम्परेचर इस समय भी 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है और धीरे धीरे यह 45 और 46 डिग्री पर जाएगा, तो उस गर्मी से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि हर घर में अब एसी लग चुका है, हर गाड़ी में एसी है, उसकी भी कहीं ना कहीं ये गर्मी जो है बढ़ावा दे रही है। जी डॉक्टर साहब बताएं कि गर्मी चरम सीमा पर है और किस तरह से बचाव किया जा सकता है। देखिए आयुर्वेद के अनुसार जो ये ग्रीष्म ऋतु चल रही है, ग्रीष्म ऋतु में हमें अर्ध शक्ति के अनुसार अपना व्यायाम करना चाहिए, यानी जो हमारी शक्ति है उसे आधा व्यायाम ही करना चाहिए। और इस इतनी गर्मी के अंदर हमें जो योग भी जो है गर्मी से छुटकारा दिला सकता है, जिसमें हम शीतली जो उसका अभ्यास करें तो बहुत ज्यादा हमें जो है ग्रीष्म ऋतु से बचा जा सकता है। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत सारे नुस्खे हैं, तो उनको अपना के भी हम अपने जीवनचर्या के अंदर थोड़ा बदलाव करें तो हमें गर्मी कम लगेगी। जैसे कि एक तो जब घर से बाहर निकले हम पानी की बोतल लेकर निकले और कोई छाता लेकर निकले, पूरी बाजू की जो कपड़े हैं वो डाल के निकले और बीच बीच में पानी पीते रहें, और उसके साथ साथ में कोई भी लस्सी है, स्क्विंजी है, आम पन्ना है, धनिया है, और इन चीजों का ज्यादा सेवन करें, लिक्विड ज्यादा मात्रा में लें, और जो हमारे फास्ट फूड है उसको कम से कम मात्रा में प्रयोग करें। जी मैम आप बताएं किस प्रकार के, क्योंकि गर्मी है पेशेंट भी आ रहे होंगे, किस प्रकार को देख रहे हैं? ये है कि सर इस मौसम में ज्यादा डायरिया के केसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि गर्मी में बच्चे है, छुट्टियां हैं, गर्मी की छुट्टियां हैं, कोशिश करते हैं उन्हें अंदर रखा जाए, पर फिर भी बच्चे कई बार एकदम पसीने से आके गर्म ठंडा पानी पी लेते हैं गर्मी में से आके, तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत रहती है, पेट से संबंधित समस्याओं की ज्यादा दिक्कत रहती है इस मौसम में लगभग। तो यही हमारी तरफ से भी यही वो रहता है, प्रयास रहता है कि बच्चों को जितना हो लू से बचाने के लिए अंदर रखा जाए। हेलो, हाँ जी, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसके लिए हमने ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए और अपना पानी पूरा करना चाहिए।
हमने जितना पानी पिएंगे उतना ही हमें गर्मी कम लगेगी, लू से बचाएगा हमें पानी भी। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि इतनी गर्मी शायद ही पहले कभी पड़ी होगी, क्योंकि इतनी उम्र हो गई किसी ने इतनी गर्मी नहीं देखी, अब के बाहर इतनी गर्मी है। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ने बताया कि आसपास के जो देशों में है युद्ध चल रहा है, तो उसकी भी वजह हो सकती है, लेकिन हमें अपने आप को बचाना है इस गर्मी से और लिक्विड पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना है। हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हमारा जो समाज है वो स्वस्थ रहेगा। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय कंबोज।